हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ बस। तो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा मेरा, और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे मेरी वीडियो है और मैं आप लोगों को क्या मतलब किस बारे में बताने वाली हूँ, क्या बात है। तो हुआ कुछ यूँ कि आग लग गई। अच्छा, मैंने वीडियो बनाने का होश नहीं था होता, जाहिर सी बात है, ये एक होती है कि कैसे बना सकते हैं वीडियो इस हालत में। एक तो इतनी भगदड़ मच जाती है कि जल्दी करो जल्दी करो, नीचे उतरो और ये करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, तो इस उसमें वीडियो बनाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। तो छोटी छोटी एक दो क्लिप हैं, वो मैं आप लोग से आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से वो आग जो है वो लगी थी। अच्छा, बाकी ये है कि हम सो रहे थे नॉर्मली तरीके से, जिस तरह से सुबह का टाइम था, 11:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग सो रहे थे और एकदम से जो है वो नेबर आंटी थी, वो उन्होंने आई, वो उन्होंने नॉक करा और कहने लगी कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो है वो दरवाज़ा बजा रही थी। है भी उसके बाद जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि इतना शोर हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, और उन्होंने बोला कि बस बिल्डिंग खाली करनी है, बिल्डिंग खाली करनी है। अच्छा, मैंने कहा क्यों भाई, मतलब एक अजीब ही ना, एक बंदा सोते में सोता है और एकदम से ऐसी कोई बात हो जाए, तो वो एक वैसे ही इंसान की तबीयत कैसी हो क्या हो, और फिर ऊपर से ऐसे एकदम से आ जाए। तो खैर, उन्होंने कहा बेटा बिल्डिंग खाली करवानी है, बराबर वाली बिल्डिंग में आग लग गई है और ऐसा हुआ है कि हम लोगों की भी बिल्डिंग खाली करने को बोला है, तो सब जो है ना जल्दी जल्दी निकलो। अच्छा, हमारे साथ मसला ये था कि अम्मी इद्दत में बैठी हुई हैं, और अम्मी इद्दत में थी तो एकदम से जैसे बोला उन्होंने तो निकल, क्या करें क्या करें, इस तरह का था। खैर, फिर भी जो है हम लोग थोड़ी देर हम लोग ने देखा, खिड़कियों से देखा या उधर से देखा, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी, एम्बुलेंस आई हुई थी और पुलिस की गाड़ियाँ, इसकी उसकी, मतलब फायर ब्रिगेड वगैरह, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई थी। तो उसकी आवाज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब बहुत अजीब होती हैं, एक अलग ही माहौल हो जाता है उसके आवाज़ों से। एम्बुलेंस की आवाज़ तो वैसे ही दिल जो है बिठाल देता है बिल्कुल ही। तो खैर, हमने बोला ठीक है, फिर अम्मी को अब आया वगैरह भी ना आया, इस तरह से ये जाहिर सी बात है, इंसान की जान पे आ जाए तो क्या कर सकते हैं। तो खैर, फिर जो है अम्मी को अब आया वगैरह भी ना के जो है फिर हम अपनी बहन के घर पे आ गए, यहाँ आ गए हम, लेकिन हमें वहाँ का कुछ नहीं पता। अच्छा, लॉक जो है ना, हबड़ दबड़ में लॉक नहीं मिल रहा, लॉक नहीं मिल रहा, ताला कहाँ है, ताला कहाँ है, ताला कहाँ है, तो वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा, तो हम घर जो है हमने बस ऐसे ही लॉक करा और हम आ गए। उसके बाद फिर भाई बाद में गए, उन्होंने लॉक वॉक लगाया, तो खैर ये तो बात हो गई। लेकिन वो आग इस तरह से लगी थी कि नीचे जो थे, हम जो सुनने में आया, और आई थिंक यही है कि वो आग नीचे जो थे वो केमिकल वगैरह और इस तरह से जो था ना, उसके ड्रम जो है रखे हुए थे, और वो केमिकल जो था ना वो गिरा और वो फटा, उस आग इस तरह से लगी कि वो पूरी बिल्डिंग में आग जो है ना वो पूरी बिल्डिंग में फैली, और आग जो थी ना वो इस तरह से जो है उठ रही थी कि हम रोड पे थे और वो हमारा घर जो था ना वो थोड़ा सा अंदर की साइड पे है और वो वहाँ से दिख रहा था, इतनी आग लग गई थी। तो हम लोग तो फ़ौरन घर पे आ गए थे। खैर, भी मैं उसके बाद जो है ना वो घर पे यहाँ आ गए, लेकिन हबड़ दबड़ में आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए, ना बैग, मतलब सिर्फ बैग उठाया और मोबाइल लिया और बस आ गए, तो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी नहीं थी। अब यहाँ जो था मसला ये था कि हम लोग जा रहे थे रात में, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं केमिकल था, ज़ाहिर है वो उसकी स्मेल होती है और वो मतलब रात में बंदा सो रहा होता है और तो नहीं, आज मत जाए, एक दिन रुक जाए। मैंने कहा ठीक है, अब ज़ाहिर है इंसान अपने तरीके से, सर्दियों के दिन हैं तो वो ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ों का मसला था। फिर मैं गई ब्लैंकेट के लिए, तो मैंने देखा कि वो दीवारों पे थोड़ी सी कालिक आई है, क्योंकि हमारे घर के बराबर एक रूम में जो है वो दीवार जो है वो एक रूम की काली हो रही है, और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में केमिकल की इतनी 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 थी कि वो मेरे अभी भी जो है ना ये चीज़ ना इतनी दुख रही है, ये पूरा साइड मेरा दुख रहा है बहुत, और घर में से भी धुएँ की और इस तरह की
बदबू जो है वो आ रही थी। तो खैर ये सीन हुआ, अल्लाह पाक बस अल्लाह पाक ने रहम कर दिया हम पे और बहुत करम कर दिया। तो इद्दत में से भी अम्मी को उठना पड़ा, मजबूरी में से जो है वो अम्मी को यहाँ आना पड़ा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जैसे बहुत कवर करके सब कुछ, अबाया वगैरह, मास्क वगैरह ये सब करके, सॉक्स वगैरह पहना के इस तरह से लेकर आए। तो बस यही था कि अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें अब जो है वो सेट हो गई हैं। मैं भी गई थी तो अल्लाह का शुक्र है सब हो गया, लेकिन बस वो गंदगियाँ और वो पूरा जो रोड है वो पूरा केमिकल पूरा गंदा काला हो रहा है और इस तरह का हो रहा है। तो मैं अब वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि वीडियो जो है वो छोटी सी क्लिप जो है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों की किस तरह से लगी आग। और बस ये था कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कोई जानी नुकसान और इस तरह से बचा लिया। आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मुझे लाइक कर दिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे बहुत 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 प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की। तो अपना बहुत सारा प्यार दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं करा तो मेरे चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। स्मेल कैसी आ रही है? गंदी ही आ रही है और स्मेल भी आ रही है बहुत ज़्यादा। गंदगी चेक करें आप लोग से। तो हम आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कैसे काली काली का ये दीवार पे देखो। ये इस खिड़की से आई होगी ना? नहीं जी, इस खिड़की से आती तो वहां आती क्या? जल्दी करो, अंकल खड़े हैं। यही हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी तो बदबू बहुत आ रही है। बदबू बहुत है। हाँ मैं पंखे बंद कर दिया मैंने। हाँ कर दो।